नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ऑन व्यूवर्स डिमांड। आज 480 की बात हम करेंगे। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, प्यारे व्यूवर्स हैं, किसान भाइयों ने हमें कहा कि आप 480 का वीडियो क्यों नहीं बनाते सर, तो चलिए आज 480 का वीडियो भी बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामने से। तो सामने की बात करूँ तो सामने आपको इसमें 85 किलो का हैवी बम्पर दिया गया है, 85 प्लस। और अगर मैं ट्रैक्टर के बारे में बताऊं तो आपको इसमें 42 से 45 HP की रेंज का इंजन मिलेगा। और अभी जो सुपर प्लस मॉडल आने लगा है उसमें मिलता है आपको 45 HP का, और पहले जो मॉडल आता था उसमें मिलता था आपको 42 HP का। और जो PTO HP है उसके वो है 38, और जो CC है वो है इसका 2500 CC का आपको डीजल इंजन मिलेगा, और इसमें वाटर कूल्ड इंजन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका अभी जो कलर देख रहे हैं आप ब्लू है, इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, रेड का मिल जाएगा, ग्रीन का मिल जाएगा और सिल्वर का मिल जाएगा। यहाँ पर आयशर का लोगो है, और ये जो आप आयशर का लोगो देख पा रहे हैं ये स्टिकर चिपका हुआ है, ये क्रोम नहीं है। और यहाँ 480 का लोगो है, ये भी स्टिकर है। और यहाँ पर सुपर प्लस का लोगो दिया हुआ है, ये मेटेलिक है, ये लोगो मेटेलिक है। और माफी चाहूंगा अगर साउंड की वजह से थोड़ा ट्रैफिक का साउंड आ रहा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर रोड पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ट्रैक्टर खड़ा कर, तो माफी चाहूंगा इसके लिए। और ये बैटरी का केस है, इसका जो कलर है वो है आपको ब्लू और ब्लैक में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करूं अभी ये जो मॉडल है मेरे सामने, ये है नॉन पावर स्टेयरिंग मैनुअल मॉडल है, तो इसके लिए पावर स्टेयरिंग की रॉड दिख रही है आपको, सॉरी स्टेयरिंग की रॉड। और यहाँ पर जो हम बात करें स्पेंडल्स की, तो आपको राउंड स्पेंडल मिल जाएंगे गोल आकार। और जो एक्सल की बात करूं तो आपको एक्सल मिल जाएगा आपको स्ट्रेट एक्सल। और सामने के टायरों की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो आपको 616 के आपको टायर मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर JK टायर है सोना के, और टोचन लॉक यहाँ पर टोचन हुड नहीं दिया गया है, तो आपको ट्रैक्टर फंस जाए तो अलग से लगवा सकते हैं, यहाँ पर इस पे एक्सल में बांध कर आपको रस्सी खींचना पड़ेगा। इधर भी सेम लोगो है, और ऑयल बाथ प्री क्लीनर है इसमें, ड्राई क्लीनर का ऑप्शन नहीं है। चलिए इधर बात कर लें तो यहाँ पर हल्के हल्के स्टिकर दिए गए हैं जो क्रोम जैसे दिखते हैं दूर से, बस पास में पता चलता है तो स्टिकर चिपके हुए हैं, जो काफी ट्रैक्टर के शो को अच्छा बढ़ाते हैं, मतलब आपको अच्छा लुक जो है उसको गार्निश करते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पीछे के जो टायर हैं वो JK टायर हैं, 14/9/28 के, 13/6/28 के भी इसमें ऑप्शन है, और ऑप्शनल है 14/9/28 के भी, क्योंकि अब इसको 45 HP की कैटेगरी में ला दिया गया है, तो इसलिए इसमें 14/9/28 के टायर कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। तो अब हम बात करें रिम की, तो रिम सिल्वर कलर की है, सामने भी रिम सिल्वर कलर की मिलेगी आपको। और यहाँ पर को पैसेंजर के लिए यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल रॉड दी गई है, और ये बम्पर जो मिलेगा आपको, मडगार्ड जो मिलेगा टायरों के ऊपर, ये भी आपको मिल जाएगा ब्लू कलर में। यहाँ पीछे आपको बैक लाइट दी गई है, और एक ब्रेक लाइट और एक इंडिकेशन लाइट। यहाँ पर 480 का लोगो, और यहाँ पर हर बार जैसे आयशर लोगो नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये स्टिकर। और ये है मडगार्ड सेफ्टी रॉड, दोनों मडगार्ड को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि ज्यादा कंपन ना हो, वाइब्रेशन ना हो। अगर हम पीछे के हिस्से में आते हैं तो आपको यहाँ पर लिफ्टों की जो बात करें, यहाँ पर लिफ्टों का जो मेटल है काफी अच्छा मेटल यूज किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी हैवी मेटल, स्टील मेटल यूज किया गया है। है तो ये आयरन, बट इसको हम स्टील मेटल भी कह सकते हैं एक कंपनी की भाषा में, जो मुझे अभी यहाँ पर समझाया गया था उस भाषा में। और यहाँ पर आपको अपने जो लिफ्टिंग पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चैन दी गई है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 1, 2, 3, 4। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितना विड, कितनी चौड़ाई चाहते हैं अपनी लिफ्टों की। और यहाँ पर हम बात करें इसकी हिच की, तो हिच यहाँ पर इंस्टॉल नहीं की गई, क्योंकि नया ट्रैक्टर अभी देखिए पन्नी मतलब पॉलिथीन लगे हुए हैं इसमें, तो यहाँ पर हिच लगेगी। और हिच से पहले अगर हम बात करें हिच के स्पेस की, बैक स्पेस की, तो काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। उसी के पीछे हमको PTO शाफ्ट दिखाई देगी जो कि अभी कवर्ड है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 38 HP का PTO इसमें, 540। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लाइट के लिए, बैक लाइट जलाने के लिए ट्रॉली वगैरह में यहाँ पर लाइटिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये मोबाइल चार्जर पीछे दिया गया है, कि 2 लीटर की तो बोतल नहीं आएगी, 1.5 लीटर की जरूर आ जाएगी इसमें। बोतल होल्डर दिया गया है, हाइट वेट के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपको वेटेड सीट दी गई है, वेट एडजस्ट करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए आगे पीछे भी कर सकते हैं सीट को।
काफ़ी आरामदायक सीट है, डिलक्स सीट इसको बोलते हैं कंपनी की भाषा में। और अंदरूनी वायरिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी वायरिंग दी गई है यहाँ पर, सेफ वायरिंग की बात करते हैं हम। और ट्रैक्टर की दूसरी तरफ आ जाएं तो साइलेंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा साइलेंसर है, क्लासिक दिखता है साइलेंसर, कोई मतलब ज़्यादा और इसका लुक नहीं है, बट क्लासिक लुक है जो कि ट्रैक्टर के लुक में काफ़ी गार्निश करता है ट्रैक्टर के लुक को। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर दो डीजल फिल्टर मिल जाएंगे आपको, उसके जस्ट आपको साइड में, राइट साइड में आपको मिल जाएगा वाटर सेपरेटर, और उसके बीच में आपको मिल जाएगा सेंटर में आपको ऑयल फिल्टर। और यहाँ पर अगर हम बात करें अदर साइड में, जैसा कि आपने उस साइड में देखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए ये है स्टेयरिंग की रॉड, मैनुअल स्टेयरिंग की रॉड, ये सिंगल स्टेयरिंग रॉड है, डबल स्टेयरिंग रॉड नहीं दी गई यहाँ पर, और इस तरफ कोई स्टेयरिंग की रॉड नहीं है। और अब इधर हम बात करें तो यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर और जैसा कि मैंने बताया वाटर सेपरेटर, बीच में आपको ऑयल फिल्टर, और यहाँ पर तीन सिलेंडर का आपको डीजल इंजन मिल जाता है। और यहाँ पर जो पंप मिलेगा आपको बॉश कंपनी का इनलाइन पंप मिलेगा, रोटरी पंप इसमें नहीं मिलेगा। और ये है पंप, अगर आपके डीजल कभी ख़त्म हो जाता है या ट्रैक्टर एयर ले जाता है उसके लिए, इसको हमेशा बंद करके रखें आप यूज़ करने के बाद। और अगर हम बात करें टैंक की, डीजल टैंक की, तो यहाँ पर 45 लीटर का आपको डीजल टैंक मिलता है हैचर की तरफ से 480 में। और यहाँ पर भी सेम स्टिकर लगे हुए हैं हैचर 480 के, और यहाँ पर ये सुपर प्लस का मेटेलिक मेटल में यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर प्लस आयसर 480। और यहाँ पर ये ऑयल बाथ क्लीनर, और सामने की बात करूँ तो आपको हेडलाइट दी गई है और ये इंडिकेशन दिए गए हैं। चलिए हम बोनट ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह का अंदर दिखता है ट्रैक्टर। तो दोस्तों ट्रैक्टर की राइट साइड से मैंने बोनट को ओपन कर लिया है, और सिंगल हुड बोनट है, ड्यूअल बोनट आपको नहीं मिलेगा, मतलब कहने का मतलब जहाँ एयर फिल्टर होता है वहां से अलग खुलता है, और इंजन के जो स्पेस है केबिन स्पेस है वहां से अलग खुले, ऐसा नहीं है, सिंगल बोनट है, एक ही बार में पुश करो तो आप पूरा खुल जाता है। जैसा कि हम मैंने आपको बताया कि वाटर कूल्ड इसमें आपको इंजन मिलेगा, तो ये है आपका कूलेंट वाटर डालने के लिए बॉक्स, ये आपका ऑयल बाथ फिल्टर, और ये आपका रेडिएटर, और ये आपका इंजन फैन जो कि ब्लैक कलर में है, और ये है प्लास्टिक के, और ये अल्टरनेटर आपको मिल जाएगा 36 एम्पियर का, ये सेल्फ है आपकी, और ये बैटरी 75 AH की, कुछ इस तरह से आपको अंदर का नज़ारा दिखाई देगा। और ये लाइटिंग कंट्रोल्स हैं, अंदर से देख सकते हो आप इस तरह से कुछ दिखते हैं, अंदर ये पूरा ब्लू है बोनट, तीन सिलेंडर डीजल इंजन 45 HP का 2500 CC के साथ हाई टॉर्क बैकअप जो पैदा करता है, जैसा कंपनी ने बताती है, कंपनी अपने कस्टमर्स को सेल्स प्रोवाइडर को उस हिसाब से हाई टॉर्क पैदा करता है ये इंजन। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से दिखता है बोनट ओपन करने के बाद, अदर साइड से हम बात करें तो चलिए बोनट ओपन करके ट्रैक्टर की सीट के ऊपर बैठते हैं और स्टार्ट करके इसका इंजन का साउंड सुनते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी ट्रैक्टर की सीट के ऊपर बैठ चुका हूं मैं, देख सकते हैं आप, और चलिए ये है इसका MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, या फिर इसको हम कह सकते हैं ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कह सकते हैं। और ये लाइटिंग के कंट्रोल्स हैं, इधर थोड़े अलग टाइप के हैं, बाकी आयशर अभी सभी ट्रैक्टरों में इस तरह के लाइटिंग के कंट्रोल्स देता है। और ये हैंड एक्सीलेटर दिया है यहाँ पर, कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है देखते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा हार्ड है जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर आपको देंगे सेल हो जाता है ट्रैक्टर, उसके बाद पूरी सर्विस करके ट्रैक्टर दिया जाता है अच्छे से चेक करके। और ये टाइम सेट करने के लिए है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हॉर्न, ये हॉर्न, और ये बात करूं अभी क्लच की, यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं तो अभी इसमें जो क्लच है वो है आपकी सिंगल, इसमें ड्यूअल का भी ऑप्शन है टॉप मॉडल में,
और ये जो ब्रेक हैं अभी इसमें ड्राई ब्रेक हैं, OIB का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर गियरों की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स मिलेगा आपको, कॉन्स्टेंट मैश। इधर हम बात करें तो ये टूल बॉक्स है 4 से 5 लीटर का। और ये पार्किंग ब्रेक, और ये लिफ्टिंग कंट्रोल के लीवर, ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट कंट्रोल और ये पोजीशन कंट्रोल। और कुछ इस तरह का दिखता है ट्रैक्टर ऊपर से आने के बाद पीछे। चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा डिजिटल मीटर दिया गया है, यहाँ पर आयशर का लोगो है। दोस्तों 45 लीटर का आपको इसमें डीजल टैंक भी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात करी 480 आयशर के बारे में। तो चलिए इसके हम डायमेंशन के बारे में बात करें तो इसका जो वेट है वो है 1995 केजी का, जो इसकी लंबाई है वो है 3435 mm की, जो चौड़ाई है इसकी वो है 1710 mm की, और जो ग्राउंड क्लियरेंस जीसी की हम बात करते हैं, जमीन से चेचेस की ऊंचाई, यानी कि ये जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, वो है 360 mm की। और टर्निंग रेडियस जो है ब्रेक के साथ वो है 3000 mm का, और विदाउट ब्रेक है वो है 3200 mm का। और जो ट्रैक्टर का व्हील बेस है वो है 1905 mm का। चलिए मैं आपको नीचे से ट्रैक्टर दिखा देता हूं एक बार, किस तरह का लुक है ओवरऑल इसके चेचेस का, इसकी बॉडी का। नीचे से एकदम कुछ इस तरह का पीछे से ट्रैक्टर दिखता है नीचे से। तो ये है दोस्तों 480 आयशर, 45 HP, 2500 cc का डीजल इंजन, बॉश कंपनी का इनलाइन पंप। और इसके प्राइस की बात करूं तो 6 लाख के समथिंग इसका पंप प्राइस है, सॉरी माफ पिचाऊंगा, 6 लाख का इसका प्राइस है। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, और नेगोशिएबल प्राइस है ये, आप अपने डीलर के साथ नेगोशिएबल कर सकते हैं इस प्राइस को, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और किस किस ट्रैक्टर का मुझे रिव्यू और करना है या उसके बारे में और जानकारी देनी है, ये भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।